दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक आदमी एक दिन में 12 घंटे के आसपास काम करता है, ठीक। कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 15 घंटे काम कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जी हमें तो लगातार दो दो शिफ्ट भी करनी पड़ती है, कई बार 24 घंटे काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 24 घंटे लगातार काम करने के बाद आपको अगले 24 घंटे रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे 24 घंटे शिफ्ट करने के बाद उनको लगातार फिर 24 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। आदमी 24 घंटे काम करने के बाद 24 घंटे आराम करता है, लेकिन हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जो 24/7 काम करता है, उसको एक भी सेकंड हम आराम नहीं दे सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके दिल की। और दिल की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक डॉक्टर, हार्ट सर्जन, उनकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आई और वो अपनी गाड़ी को लेके एक मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक ने गाड़ी को खोल के देखा और बोला कि आप बैठिए, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करता हूँ, इसके इंजन में कुछ दिक्कत आ गई है। तो जब वो उसको ठीक करने लगा तो ठीक करते करते उसने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप आदमी का दिल ठीक करते हैं और मैं गाड़ी का दिल ठीक करता हूँ, ठीक। आप आदमी का दिल संभालते हैं, मैं गाड़ी का दिल संभालता हूँ क्योंकि इंजन ठीक करता हूँ। आपकी फ़ीस लाखों में है और मेरी फ़ीस कुछ 1000 रुपये, ये फ़र्क क्यों? तो डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया वो वाकई में समझने का है, इस दिल की इम्पोर्टेंस को, इसका ख्याल रखने को समझने का है। डॉक्टर साहब ने बोला कि तुमने कभी चलती गाड़ी में इंजन चेंज किया है? बोला नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बोला मैं आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता हूँ लेकिन उसको धड़कना बंद नहीं होने देता। यही इम्पोर्टेंस है हमारे दिल की कि 24/7 इसे काम करना है। तो हम इसे आराम तो नहीं दे सकते, लेकिन हम इसे सेहतमंद ज़रूर बना सकते हैं। इसी के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका आयुर्वेद में भी बहुत बार वर्णन है, आयुर्वेद में बहुत माना जाता है, जिसका नाम है अलसी, तीसी। इसी के बीज का तेल जिसे फ्लैक्सीड ऑयल बोलते हैं, फ्लैक्स ऑयल, इसके कैप्सूल वेस्टिज में आए हुए हैं, वेस्टिज में मिलते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो आप जाने अनजाने तला भुना चिकना खाते रहते हैं, आपकी जो आर्टरीज़ जहाँ से ब्लड, जहाँ से खून निकल के पूरे शरीर में जाता है, उन आर्टरीज़ में जब ब्लॉकेज आ जाती है तो ये फ्लैक्सीड ऑयल उसी ब्लॉकेज को एक नेचुरल तरीके से धीरे 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 करके ख़त्म करता है। यानी एक नेचुरल तरीका है आपके दिल को स्वस्थ रखने का, आपकी आर्टरीज़ को बिना ब्लॉकेज के रखने का। उसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर की बहुत सारी वर्किंग, आपके स्किन, आपकी आँखें, आपके बाल, इन सारी चीज़ों को भी जवान रखने में, स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। उसके अलावा आपकी हड्डियों में भी बहुत गर्मी प्रदान करता है जिससे आपके जोड़ सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि फ्लैक्सीड ऑयल इतना कमाल का है कि इसमें फ़िश ऑयल के मुकाबले 50% ज़्यादा ओमेगा पाया जाता है। और ओमेगा के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वो कितना काम की चीज़ है। तो इतना सारे लाभकारी गुणों से भरा हुआ ये फ्लैक्स ऑयल अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिल को तो जवान रखेगा ही रखेगा, उसको तो स्वस्थ रखेगा ही रखेगा, आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपकी आँखों को, इन सारी चीज़ों को भी सुचारू रूप से काम करने में मदद करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं अभी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। और इसी तरह की वीडियोस, हार्ट से रिलेटेड और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।